क्या तेरे माँ बाप यही है? हाँ बाबू, तेरे माँ बाप यही है। और ये कौन है? बाबू यही तेरा बड़ा भाई समर है। ओ तो ये मच्छर है, और ये कौन है? ये मेरी भाभी है। भाभी, इसकी आंख में सूअर के बाल जमे हुए हैं, ये छिनारों की पहचान है। असली पहचान यही होती है जो अपने मर्द के शरीर में पोछा मारती है। जो पत्रता नारी होती है वो किसी के सामने बात नहीं करती है। और पहचान औरत, बेहरा औरत, वो हमेशा अपने पति के पोछा मारती है, और जब पति बाहर जाता है तो मौका पाकर अवसर बांटती है। ये वो नारी है। घबराओ नहीं, लक्ष्मी का नाम बदनाम कर रहे हो। लक्ष्मी क्या चीज है तुम्हें नहीं मालूम? ये लक्ष्मी नहीं, ये कुलक्ष्मी है। जिस घर में कदम रखते सारा झाड़ू भी जल जाए, ये वो कुलक्ष्मी है। ये कौन है? ये वही तेरा भाई विमल है। ओ तो तेरा छोटा भाई विमल है, कितना सुशील है। और ये लड़की कौन? और ये कौन? घबराओ नहीं बेटी, ऐसे इंसान को इस धरती पे रहने का कोई हक नहीं। देखो खून खराब मत करो, जो चाहो वो ले लो, लेकिन शोर खराब करो। माँ का नहीं, अपने पिता का नहीं, अपनी बहन का नहीं, अपने भाई का नहीं, तो किसी का नहीं है। दिन दान को दुनिया से के बाद फिर भी अपने भाई की जान बचा रही थी। और उस भाई की जो भाई चंद्र सिंह को लिए, चंद्र सिंह को के लिए अपनी बहन को रणजीत की कोठे पर भेज दिया, उस भाई की जान बचा रही है। तुझे बचाना चाहिए। तब सबों ने जुर्म इस पर किया, कितनी चिल्ला मुसीबत।
इस जाम को बस दूंगा, लेकिन इसे शराब सिखाऊंगा ताकि आने वाली नस्ल कोई औलाद अपने माँ बाप के साथ ऐसा जुर्म न करे, कोई भाई अपनी बहन के साथ ऐसी बदतमीजी न करे जो बदतमीजी इसने किया है, इसे शराब सिखाऊंगा। छोटो सबसे पहले ये सब उतार लो, ये सब अपने काम का है। वही हो रहा है जो तुम बहुत पहले चाहती थी, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। अगर पहले हो गया होता तो आज इस सीढ़ी पर नहीं पहुंचती, तो पहले से सुधार। स्वामी जी आप बात करिए। वो भी फिर आएगी। चलो इसको देखो, हमको क्या देखोगे, हमको छोड़ दो, हम भी जा रहे हैं। मेरे सवालों का जवाब दो। ये कौन है? हाँ, ये मेरे पिताजी हैं। पिताजी कहने में शर्म नहीं आई। ये वही पिता है जब तू जन्म लिया होगा तो कितनी खुशियां मनाई होगी, अपने तरवारी पर ढोल सहनाई बजवाई होगी, घूम घूम करो मोहल्ले में बताया होगा कि आज मेरे घर औलाद आया है, मेरे बुढ़ापे का डंडा आ गया और उसी औलाद वही औलाद अपने जय पिता को तरह तरह की ठोकरे खिला रहा है, तरह तरह की भीख मना रहा है। ना रखे औलाद, ये कौन है? ये मेरी माँ। ये ना बनाए पहले बनावा गड़बड़ नमस्ते।
दोस्तों नमस्कार, मुमताज अली भट्टनोसा चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और ये हमारा स्पेशल चैनल है जो मुमताज अली भट्टनोसा चैनल के नाम से प्रचलित चल रहा है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन की घंटी को दोबारा न भूलें, ताकि हम जो भी वीडियो अपने चैनल सेकंड चैनल मुमताज अली भट्टनोसा चैनल पर डालें वो सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो आइए दोस्तों, मैंने कल वीडियो में डाल करके आपको जानकारी दिया था कि दिनांक 5 अप्रैल दिन शुक्रवार सन 2024 को हमारा प्रोग्राम रायबरेली ज़िले में होगा। रायबरेली ज़िले के अंदर एक गांव है जिसका नाम है परसादी का पुरवा। गांव परसादी का पुरवा है, पोस्ट हरदोई है और हरदोइया है, थाना बछरावा है, जिला रायबरेली है। हमारे घर मालिक आदरणीय देश राजपासी समाज जिला अध्यक्ष रायबरेली साहब हैं, उन्हीं के यहाँ हमारी कंपनी का प्रोग्राम आज 5 तारीख है, दिन शुक्रवार है, आज होगा। तो ये जानकारी मैंने कल आपको डाल करके बता दिया था, थोड़ा फिर से तरोताज़ा कर रहा हूँ। लेकिन अब हम बात करेंगे कल 6 तारीख की, आने वाली 6 अप्रैल यानी कल हमारा प्रोग्राम कहाँ है, आप ये जानकारी ले लीजिए। दोस्तों कल 6 तारीख है और दिन शनिवार है, कल हमारा प्रोग्राम बाराबंकी ज़िले में होगा। गांव बरौली जाटा है और पोस्ट बरौली है, थाना सत्रिक है, ज़िला बाराबंकी है। हमारे घर मालिक आदरणीय मलखान सिंह यादव साहब हैं, उन्हीं के यहाँ हमारी कंपनी का प्रोग्राम कल 6 तारीख दिन शनिवार को होगा। तो दोस्तों मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ, ये गोसाईगंज से 5 नंबर गुमटी से आपको उत्तर साइड 6 किलोमीटर जाना होगा। और जब उत्तर साइड 6 किलोमीटर आगे जाएंगे तो गौरिया कला मिलेगा और गौरिया कला से 3 किलोमीटर उत्तर साइड बरौली जाटा में प्रोग्राम होगा। तो आइए, मैंने आपको नंबर दे रहा हूँ ताकि आप अगर प्रोग्राम देखना चाहते हैं तो इसी नंबर पर कॉल करके रास्ते की सटीक जानकारी ले सकते हैं और आराम से बरौली जाटा पहुँच करके कंपनी का प्रोग्राम देख सकते हैं। तो नंबर है 9454940403, मतलब 9454940403 ये नंबर है। दूसरा नंबर है 7355548802, मतलब 7355548802 ये नंबर है। दोनों नंबरों को नोट कर लीजिए, अगर आपको कहीं दिक्कत हो रही तो इसी नंबर पर कॉल करके रास्ते की जानकारी ले सकते हैं और बरौली जाटा पहुंच करके भट्टनोसा कंपनी का प्रोग्राम कल 6 अप्रैल दिन शनिवार को देख सकते हैं। तो ये रहा 6 अप्रैल दिन शनिवार सन 2024 के यानी कल के प्रोग्राम की जानकारी देने का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि हम जो भी वीडियो अपने चैनल पर डालें वो सबसे पहले आपको देखने को मिले। धन्यवाद।